अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी और आप लोग देख रहे हैं आपके सितारे। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर मुअज्जम खान, आलिया नज़ीर टैरो कार्ड रीडर, नोनी एंड टोनी, और हमारी ऑडियंस में है डब्लू बबलू। आज बहुत अच्छी लग रही है दीका जी। थैंक यू सो मच। ये आप अपने वार्डरोब कहाँ से बनवाती हैं? मैं खुद। आपे? हाँ, आपे। आपका सैलून भी है, आपकी वार्डरोब भी है, इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर लेंगे। माड़े की सब अशना है जी, माड़े की सब अशना, तुसा की कुछ ना अशना। सही गल है, ऐसा की अशना, तुसा की सिर्फ गशना है। नोनी, बाकी समझ आ गई है, गशना की होता है? कुछ भी नहीं होता, जिथे भूल जाती ना उथे पुठवारी शुरू कर लेती। गशना होता है जाना, उधर गशो इधर अच्छो है, इधर अच्छो खाओ कसम। पक्के रहना, मैं इधर अच्छो उधर गशो अपने। नोनी, मैं उधर अशना तू पीछे गश। जरा बात कर लें आज के दिन के लिहाज से जी। मौसम आज का दिन मजबूती तौर पर अच्छा दिन है, और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड मामला थे उनमें बेहतरी आने के चांसेस होंगे। इसे कहते हैं किंग्स डे। आज का दिन जो हुक्मरानों का दिन है, जो आदमी लियो हैं वो अपने आप को बेहतर फील करेंगे, उनमें एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी होगी। वो तमाम काम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, ये गवर्नमेंट एग्रीमेंट हैं, हेल्थ से कंसर्न चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी। टोनी जी, आज मैं लियो के बारे में बात करूंगी, और तुम्हें पता है कि हमारी हदीका भी लियो है। यस, हदीका आप लियो हैं? यस। बुर्ज असद के जो लोग हैं उनके लिए ये जो टाइम है अच्छा जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन बस ये मसला है कि जैसे चीज़ें घूमने का ख्याल रखें, चीज़ें चोरी ना हो जाएं, गुम ना जाएं। मेरा मोबाइल चोरी हो गया था ना, वही गल हुई ना। हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो पॉलिटिशियन हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं और मिनिस्टर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, और इसके साथ साथ शायरी में भी दिलचस्पी रखते हैं। आप लोगों की बहुत सी तालियों में मुशाहिद उल्लाह खान साहब। और इनके साथ एक बहुत ही कमाल की हमारी एक मॉडल भी आ रही हैं। वाओ, एक्टिंग की इंडस्ट्री के अंदर भी उन्होंने कदम रखा है और बहुत सारी मूवीज कर चुकी हैं और बहुत सारी मूवीज पाइपलाइन में हैं। कोट्योर क्वीन भी जानी जाती हैं, सुपर फैशन मॉडल आमना इल्यास। मुशाहिद साहब, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो मैंने जितना अभी तक एनालिसिस किया है ना, उसमें काफ़ी शायराना टच भी आता है और थोड़ा गुस्से वाली कहानी भी आप है। दबंग भी बहुत है। अच्छा, वैसे ये टीवी में ना थोड़े थोड़े बूढ़े लगते हैं, यहाँ तो बिल्कुल यंग हैं। बचपन से शुरू करें कि आपकी स्कूलिंग जो है वो कहाँ से थी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका शुक्रिया, आपने यहाँ मुझे बुलाया। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे होंगे, मैं ये समझ रहा था क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम अभी तक देखा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपके नाम पे आया हूँ। मैं ईमानदारी की बात इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ जी, वैसे नहीं है खाली कि इनके नाम पे, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। अल्लाह खैर। रीज़न ये है कि 2000 जनवरी में, अभी वो लंबी स्टोरी है, मैं भी शॉर्ट सुनाऊंगा। मैं सुनानी पैनी, 36 मिनट का प्रोग्राम है साहब। हमारी हुकूमत मियाँ साहब की चली गई थी, परवेज मुशर्रफ आए थे 99 में, अक्टूबर में, तो मुझे जेल जाना पड़ गया था। तो जनवरी से जून तक मैं जेल में था, और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, बड़ी तकलीफ दे सेंट्रल जेल कराची में। बहरहाल वो को टीवी नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब के एक बंदा मुझे शरीफ नाम था उसका, आज तक याद है, वो खोलता था सुबह, रात को बंद कर देता था, और मैं सुराखों से देखता था इधर उधर, तो कोई चलता हुआ बंदा नज़र आ जाए इस तरह से। तो इतने में मुझे एक ट्रांसिस्टर मिल गया कहीं से, तो वो मैंने लगा के ना अपना टाइम गुजारता था। तो उन दिनों में बुए बारियां जो है सबसे मशहूर गाना है। अब आप ये देखें जरा टोनी नोनी जी, कि फारूक सत्तार साहब आए हाँ जी,
वो जेल गए जी, जी और आपका गाना उन्होंने दुपट्टा मेरा मलमल का उस गाने से रिलेट किया और इन्होंने बूहे बारियां रिलेट किया, या अल्लाह जेल एंड मी। करता मैं क्या था टाइम, उस सारा दिन मैं बूहे बारियां सुनता रहता था क्योंकि जब रेडियो ऑन करो, ये मैं रियली बता रहा हूँ, तो वो मेरे ही आप इस लिहाज से बड़ी यादें हैं। एक और मैं आपको बात याद कराता हूँ, ये तो जेल की बात बताई, उससे भी आप रिलेटेड हैं लेकिन मिनिस्ट्री से भी हैं। आप आगे ज्यादा रिलेट होती जा रही हैं। मुझे तो लगता है नवाज शरीफ साहब ने भी रिहा हो गया, आगे सीधा इन्होंने कहना दीखा मैं तेरे गाने बड़े सुने। सरीना में आपका प्रोग्राम था, वो किसी हमारी मिनिस्ट्री ने शायद किया था, मैं उसमें चीफ गेस्ट था, आपको शायद याद हो या ना हो। मैं बिल्कुल साफ बात करूंगा जो हुई थी जैसे हुई थी, कर ही दें जब वो ख़त्म हुई ना, तो मैं जा रहा था तो आप मेरे पास आई थी, आपको शायद याद नहीं, आपने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर भी लिया था। मैंने मैं एग्जैक्ट जुमला सुना सकता हूँ, प्लीज बताएं। मेरे कुछ मामलात में याददाश्त बहुत ही अच्छी। ओ किसे और ने दिता होना बाबा जी, बुजुर्गी च वैसे ही याददाश्त इधर उधर हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में थे आप उस टाइम? मैं मिनिस्टर था ना क्लाइमेट चेंज का, माहौलियात का। तो मुझे भी तो एंबेसडर बनाया था ना, मैंने उस चक्कर में लिया, ऐसे नहीं किसी लिए से मैंने नंबर ले सकती। लेकिन बात यह है कि उसके बाद मैं इंतजार ही करता रहा, इनका फोन नहीं आया। फिर उस पे शेर यह है कि यह अदाए बेनियाज़ी, तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी क्या कि सलाम तक न पहुंचे। अच्छा मैं वैसे उदों दा यही सोच रहा सा कि तुहानू बार बार जेल च बंद क्यों कर रहे। माहौलियात दे वजीर सन, माशाल्लाह माहौल अच्छा बना लेंदे। अच्छा जी बहुत मजा आ रहा है, मेरे साथ अब आमना बैठी हुई है। वैसे आमना जी भी बहुत एंजॉय कर रही है, मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में बहुत एंजॉय किया। आप नंबर ले ले मुशाहिद साहब का। आमना मुझे बताओ, मॉडलिंग जी, जी की इंडस्ट्री में आपको लक्स स्टाइल अवार्ड मिला जी, और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और कुट्योर क्वीन भी कहा जाता है जी, तो क्या ये बचपन से स्ट्रीक थी? नहीं, मॉडलिंग वाली नहीं, कुछ अदाएं कुछ चीज़ें? नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहनें मॉडलिंग करती थी एक्चुअली, सलमा इलियास एंड उज़मा इलियास, और जब मैं उनको देखती थी मेकअप करते हुए और चीज़ें करते हुए, तो मैं हमेशा ये जुमला निकलता था मेरे मुँह से, जिसका ताना मुझे आज तक मिलता है, कि मैं तो कभी मॉडल नहीं बनूंगी बड़ी होकर। इवेंचुअली आई लैंडेड इन द बिजनेस, लाइक एक हमारे फैमिली फ्रेंड है आकिफ इलियास, शायद आप भी उन्हें जानती होंगी, इज अ ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरें खींची, वो लकीली इतनी अच्छी आई कि वो फर्स्ट कवर चला गया वो मंजोर मैगजीन का, एंड सिंस देन आई जस्ट स्टार्टेड। हदीका जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हां जी। मेरे एक दोस्त है, उन्हें उम्र कैद हो गई है। वो तो आधे 8-9 वाली मंगना चाह रहे हैं। मौसम साहब, आप और आलिया जी, मुझे मुशाहिद साहब का पूछना है कि आगे किस तरफ जा रहे हैं? मुशाहिद साहब जो है, इनका जो सनसाइन है वो लिब्रा है, और 1953 एक ऐसा स्पेशल ईयर था, 1952-53, जहाँ पर कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि सैटर्न एग्जॉल्टेड था, यानी कि उस वक्त जो भी सियारे थे उनमें जो सबसे बड़ा सियारा था वो अपने पूरे अरूज पर था। तो इसीलिए अगर आप इनकी ज़िंदगी देखें तो जब से इन्होंने 30s क्रॉस किया होगा तो इनकी ज़िंदगी में एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर आता है और बढ़ता चला जाता है, और ये जब तक इनकी ज़िंदगी रहेगी, अल्लाह इनको जिंदा रखे, तब तक इनकी ज़िंदगी में ये अरूज रहेगा। अगर आप ये समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स से किसी भी टाइम पर आउट हो जाएंगे तो ऐसा कोई सिनेरियो बिल्कुल नहीं। आलिया जी, मुशाहिदुल्लाह साहब की जो सबसे अहम बात है वो ये कि इनके अंदर ज़िद बहुत ज़्यादा है, एडमंट बहुत ज़्यादा है, जो फैसला कर लेते हैं उसको एंड तक पहुँचाते हैं। जो इनकी कमज़ोरियाँ हैं उसमें यह है कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्से में ये वो सारा कुछ कह जाते हैं जो इनको नहीं कहना चाहिए, और उसके अलावा ये ज़िंदगी में अभी इनका बहुत सारा टाइम आगे अरूज का बाकी है, थोड़ा सा जो आगे आने वाला टाइम है समझ लें ये 19-20 ये मुश्किल हैं, इसमें मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं, ये इतने आसान साल आपके लिए आने वाले दिनों में नहीं हैं, लेकिन उसके बाद अरूज वापस आएगा। आपके मेरे टॉक शोज़ भी देखे हैं तो उसमें काफ़ी आप एग्रेसिव हो जाते हैं। असल में मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं जिस वक्त टॉक शो में होता हूं तो मेरी थोड़ी सी शख्सियत मुख्तलिफ इसलिए होती है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खिताब कर रहा होता हूं। उस वक्त मैं ये नहीं देखता कि कौन मेरा भाई है कौन मेरी बहन है, मुझे पता है कि मेरे वोटर बैठा मुझे सुन रहा है कच्ची आबादियों में और पिंडों में,
ਦਰਖਤੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ बताएं कि आप घर में भी इतने गुस्से वाले हैं या जिसको शेर व शायरी से लगाओ हो हाँ। वो है ना अजल से हुस्न परस्ती लिखी थी किस्मत में मेरा मिजाज लड़कपन से आशकाना है तो ऐसा आदमी सख्ती कहाँ से आएगी सर बचपन में आपने कभी किसी से लव किया हो उसे लव लेटर फेंका हो नहीं ये हमारे जमाने में लेटर भी फेंकना बड़ा मुश्किल काम होता था हमारे जमाने का इश्क जरा और टाइप का था आज वाला नहीं है फोन पे आज की हाल है वो कोई काम नहीं था वो आंखों ही आंखों में ही होता था जो भी होता था तीन चार साल वेखते रहना कुड़ी मुंडे ने जो नहीं गल बनी तो आखिर भैन भरा कह के निकल जाना आमना एक्टिंग के बारे में बताओ कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कैसे कदम रखा आई थिंक मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मैं बोर बहुत जल्दी हो जाती हूँ चीज़ों से कुछ नया करने की जस्तजू हमेशा रहती है कि कुछ एक्साइटमेंट हो लाइफ में आई थिंक सब ह्यूमन बीइंग्स ऐसे ही होते हैं तो एक फिल्म बन रही थी गुड मॉर्निंग कराची जिसकी डायरेक्टर थी सबीहा सुमार तो उनके साथ मेरा पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस हुआ मुझे एक्टिंग का अलिफ बे भी नहीं आता था उन्होंने कॉन्टैक्ट कैसे किया उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया एक टैलेंट एजेंसी के थ्रू और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आओ तुम्हारा ऑडिशन करना है अब तक वैसे मैंने जितनी फिल्में की हैं वो मुझे सब मेरे ऑडिशन बेस पे मिली हैं ये फिल्म मैं उनके पास गई मैंने चार पांच लाइनें पढ़ी उन्होंने मुझे कहा द फिल्म वॉज ऑल इन इंग्लिश उसके लिए एक सर्टन एक्सेंट अडेप्ट करना था उस तरह की लड़की का जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती अच्छा तो उसकी उन्होंने मुझे एक्सटेंसिव क्लासेस दी उन्होंने मुझे बॉडी लैंग्वेज सिखाई डायलॉग डिलीवरी सिखाई सबीहा सुमार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मुझे एक्टिंग सिखाने मुशाहिद साहब टेनेट में आपने शायरी की थी वो पंगे वाली वो मैंने आज सुन के रहनी है मैंने ये कहा था आज वो कि पीटीआई क्या है एक पंगा है बाबा इससे तो मर जाना ही चंगा है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आया है मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू आपके सितारे हदीका क्यानी के साथ मुशाहिद साहब आपको म्यूजिक का शौक है मुझे बिल्कुल है म्यूजिक का शौक जो कहता है मुझे नहीं है वो नलायक है काजी नहीं नलायक नहीं है ये गलत बात है देखिए रिदम जो है ना रिदम म्यूजिक रिदम का नाम है ना रिदम तो ये एक साल का बच्चा नहीं थिरकता म्यूजिक पे ये क्यों सुन रहा है कुदरत के अंदर एक निजाम तो है वो है परिंदे चहचहाते हैं और रिदम हर शख्स के अंदर मौजूद होता है आप उसको दबा के रखें आपकी मर्जी है मैंने कभी नहीं पाया सुन ले मामे दादा त्रिगण दादा त्रिगण दादा त्रिगण आ इसको कहते हैं सरगम जी 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 बिल्कुल तोड़ा है गाजी सारे काम आप आधा नीसा आ हा हा एक दिन आपदा परवीन मेरे साथ बैठी हुई थी जहाज में तो कप्पे छप्पे मार रहे थे हम तो मैंने कहा जो सुर कितने होते हैं कहती हैं कि सात होते हैं मैंने कहा बिल्कुल ठीक है बताएं कौन कौन से होते हैं तो वो समझ नहीं थी इसको पता नहीं है वो कहते हैं सारे काम आप आधा नहीं सा मैं कह ये तो आठ है आठवां तो फिर सा हो गया ना पाए ना मतलब आप जब भी किसी से पूछेंगे दो दफा हो जाता है ना तो वो बड़ा उन्होंने एंजॉय किया आपको गाने का है शौक गाने का भी शौक है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स में गलत चले गए आपको तो हमारे आना चाहिए था एक लाइन हो सकती है मुझे क्लासिकल पसंद है ये भी मैं बता दूं क्लासिकल बहुत अच्छी वा, आपकी रियाजत अच्छी है नोनी गल बात दी जा रही है एक लाइन सुन लूं मैं क्लासिकल ही सुनाऊंगा ओए होए प्यार नहीं है सुर से जिसको वाह वो मूरख इंसान नहीं प्यार नहीं है सबसे अपने जी ने हमने सुर नहीं छोड़ा वो सुर नहीं छोड़ते थे और वैसे भी नहीं छोड़ते अच्छा आमना बाय नेचर कैसी हो क्वाइट सी हो सेंसिटिव हो या लड़ाकी हो लड़ाकी हूँ मैं सिर्फ एक चीज से हर्ट होती हूँ ए दो चीजें एक्चुअली ए इफ समथिंग इज रॉन्ग विद माय फैमिली या बी अगर मेरा कोई दोस्त कोई ऐसी हरकत करे जो मुझे नागवार गुजरे तो आई थिंक उससे मैं जितना हर्ट होती हूँ और मैं दुनिया में किसी चीज से हर्ट ये हरकत मैं कभी नहीं करूंगा उन्होंने दोस्त की बात की है खरगोश की
रही बात मेरे बारे में तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जेड़ी फाड़ के मैनू कुटे रोज। ते तेरी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर सकता। आमना कितनी अच्छी तुम्हारी हंसी है ना, यकीन करो मेरा तुम्हारे ऊपर ना मुंह आ गया है मुंह। आई लाइक जो तुम्हारी जिंदा भाग फिल्म जिस दिन मैंने देखी थी ना। अच्छा मैं उसी दिन तुम भी बोल तो नाल ही होना है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि तुम्हारी स्टोरी कहाँ एंड हो गई। आखिर तू अगे अगे होना है आमना ने सोटा पड़े। नहीं सोटे की जरूरत नहीं है, हील वाला जूता काफी है। हाय हाय अब हमें भी बात करने देंगे जी। जी करे करे हम यहाँ लूडो खेल लेते हैं। आप कर ले बात, लड़कियों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें बात नहीं करने का मौका देते। तुझे पता है कुड़िया आप जिन बहनी ने की गल्ला कर दिया ने, जो भी कर दिया ने हंसदियां बहुत ने। नहीं मैं तुम्हें दसा की गल्ला कर दिए ने की? चल रहे दे। वैसे हमने आपको कभी सरसे में किसी से मोहब्बत हुई है ताजा तरीन? हमने ही वेले हो गए नाक तो फड़ के थ्रू हो मोहब्बत सोच समझ के नहीं बताते हाँ या ना। सबको ही होती है, उसके एक्सप्रेशन से ये पता लग रहा है कि हुई है भाई। हो सकता है अब भी हुई हो। ओह माय गॉड नानी। नानी बाजी ले गया वैसे यार। तू चाह रहा है तेरे भरा का घर बस देख लपदी करनोलॉजी की है कि वो सूफी भी आके बैठा हो जी निकाह बनाओ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਨੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਬਤਾ ਦੇਂਗੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਇਸੀ ਸੈੱਟ ਪੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮ ਭਾਈ ਵਿਦਸ਼ੀਤ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈਂ ਫਿਲਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜੀ। ਅਭੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ? ਲੇਟੈਸਟ ਅਭੀ ਹਮਾਰੀ ਫਿਲਮ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੇਂ ਹੈ ਮੀਰਾ ਜੀ। ਮੀਰਾ ਜੀ, ਮੀਰਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਜੀ। मीरा के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्में की हुई हैं, सो वो आई थिंक हम सब जितने एक्टर्स थे सेट पे एक्सेप्ट नैयर एजाज एंड निशो जी। अच्छा निशो जी हमारी पुरानी फिल्म स्टार हैं, वो भी इस फिल्म में हैं। उनको बहुत ग्रिप है अपने कैरेक्टर पे, अपने फुटवर्क पे, अपने कैमरा फेसिंग पे। लेकिन इंग्लिश बोली आपके साथ? इंग्लिश तो वो हर वक्त बोलती है ना। अच्छी बात, वैसी ना सही बात। सोते हुए भी बोलती रहती है। आप मुझे कहें ना हैप्पी बर्थडे मीरा जी। हैप्पी बर्थडे मीरा जी। सेम टू यू, सेम टू यू। एक्चुअली मैं अमेरिका से आई हूँ। अमेरिका से आई हूँ तो मुझे हाईजैक हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं सवाद जाती हूँ तो मुझे टोरंटो फिश बहुत पसंद है। ब्रेक का टाइम आया है, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक टू आपके सितारे हदीका कियानी के साथ। हमारे साथ हैं सुपर मॉडल एक्ट्रेस आमना इलियास। आमना जी, कभी कोई बिजनेस वगैरह का इरादा हुआ? थॉट्स तो बहुत आते हैं कि ये कर लूँ या वो कर लूँ अभी, लेकिन बिजनेस का टाइम भी नहीं है मुझे लगा। नहीं आई थिंक इस वक्त एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैं फिल्म या टीवी के अलावा कुछ और कर सकूँ। तो अभी बिजनेस में घुसना एक बहुत ही बुरा आइडिया होगा। अगर मैं कुछ करूँगी इन द लॉन्ग रन तो मैं कुछ फिल्म मेकिंग से रिलेटेड ही अप करना चाहती हूँ, प्रोडक्शंस से रिलेटेड। किस मॉडल से इंस्पायर्ड हो इंटरनेशनल? आई ऑलवेज लाइक्ड नायोमी कैम्बर एंड पाकिस्तानी लोकली I've admired Iraj and Veniza. और एक्टिंग में मुझे सानिया सईद बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वेरी मच्योर और उनकी बहुत एक अंडरस्टेटेड एक्टिंग होती है। वो बड़ी एफर्टलेस सी एक्टिंग करती है। तो सानिया सईद इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स ऑल टाइम। और अभी कंटेम्प्रेरी जो है मुझे मोहसिन बहुत अच्छा लगता है, मोहसिन अब्बास जी। मुझे लगता है दैट ही इज ब्रिलियंट टैलेंटेड है ना, वेरी टैलेंटेड सिंगर भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, बड़ा स्पॉन्टेनियस सा लगता है और बिलीवेबल लगता है उसको देख के। उसको जब भी वो किसी चीज़ में आता है उसको देख के यकीन आ जाता है कि ये वही इंसान हो सकता है। ऑडियंस में से कुछ ना कुछ सवाल जवाब होने चाहिए जी। आप अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? एक दिन में काम तो मतलब के पहले सारे तो पूछ लो, दुआ जो पूछा किन्नू ने
एक दिन में तो हलफ ही होता है भाई आजकल। सामने से पूछा है लो जी यकीन करो ये मुंडा मैनू टीरा लगता है। मुझे अगर एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया गया तो मैं क्या करूंगी? आप छुट्टी करें। नहीं मैं सबको छुट्टी दे दूंगी। तुसी की वजीर आजम उस तो होना है करने। ये सवाल जो है तो बड़ा अच्छा, लेकिन हमारे मुल्क में इख्तदार जो है वो सारा वजीर आजम के पास तो नहीं होता ना भाई, तो फिर वजीर आजम से क्यों ये सवाल आप करेंगे? वैसे मुशाहिद साहब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप पुराने दौर में पैदा होते शहजादा सलीम होते तो उस वक्त आप क्या? उस वक्त जो शहजादा सलीम ने किया था वही वारदात मैंने भी डालनी थी। मेरा एक और सवाल है, आपका पहला इश्क? देखिए ऐसी बात है, ये प्रोग्राम मेरे घर वाले भी देखेंगे यहाँ पे आके हर एक को। लेकिन एक मैं आपको एक और बात बताता हूँ इश्क की भी जो बात है ना, मीर तकी मीर ने कहा अपने बेटे को एक नसीहत की कि ऐ बेटे इश्क इख्तियार कर, इश्क है कि तमाम कारखाना कुदरत पे मुतसर्रिफ है। अच्छा अब इश्क क्या है? इश्क एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर होता तो है एहसास, लेकिन एहसास पता कैसे पैदा होता है? जब आपके दिल में दर्द हो, इश्क की ये शर्त है, अगर दिल सख्त है दिल में दर्द नहीं है तो फिर इश्क हो नहीं सकता। तो अब आप ये आपने गाना गाया बुए बारियां गालो थी नानी गालो थी जितना डूब के इन्होंने वो गाना गाया है ना उससे पता लगता है कि इश्क है, वरना वो आज उस पर बात ना हो रही होती 20 साल बाद। जिस इश्क की आप बात कर रही हैं ना वो भी बात करें ना तो फिर उसमें भी खोट नहीं होना। उसमें आप बताएं ना, पहली मोहब्बत जो थी वो तो बेल मंडे नहीं चढ़ी थी, इसलिए कि हमारी उम्रें एक थी तो औरत की शादी जल्दी हो जाती है, आए हाय तो मर्द तो ऐसे ही इधर उधर वो अभी बरसर रोजगार भी नहीं होता। मतलब उस जमाने में अक्सर, बल्कि आज के भी जमाने में अगर आपकी उम्रें एक हैं तो फिर मर्द को तो अपनी महबूबा की शादी में शिरकत ही करनी पड़ेगी। आखिरी बात मैं ये करना चाह रहा था अपनी बात को ख़त्म करने पे, ये जो इश्क के हवाले से थी कि इश्क में नाम कर गए होंगे जो तेरे गम में मर गए होंगे। सवाल मोहब्बत में निकामी किस वजह से? बताई तो ये वजह आपने सुनी नहीं। तू पेंटी एडी टैट पाई तेरा दिमाग सुन हो गया। जिड्डी तंग तू पेंट पाई है मोहब्बत की आनी है थे ऑक्सीजन आज बड़ी गल। देखें एक खास अरसे बाद इंसान की पसंद और नापसंद तब्दील हो जाती है। वाह जी वाह, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आप पिछले 5 साल आप जरा गौर कीजिएगा कि आपको जो चीज़ें पसंद थी अब वो शायद उतनी ना पसंद हों, और हर 5-10 साल बाद एक तगैयर पैदा होता है सोचों में। लेकिन ये जो कमिटमेंट होती है ना, लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपका किसी से कोई लिंक है ना उसको बरकरार रखें इस वजह से। लेकिन 5-10 साल के बाद अगर चेंज होता रहे तो फिर कैसे बरकरार रखें? नहीं आप उसको भी बरकरार रखें और बाकी चीजों को भी बरकरार रखें और फिर 10 साल के बाद उसको भी बरकरार रखें। मेहल से वो आपको हिंट दे रहे हैं कि अगर आपने नंबर लिया है तो वो फिर कॉन्टेक्ट बरकरार रखना चाहिए। बाजी का पता कराओ प्रिंसिपल ही है ना। अच्छा जी मुशाहिद साहब ने जाना है, जाते जाते मैं एक शेर इनके लिए बोलूंगी। ओही गालो इने नोनी। मैं अपनी वालदा का एक शेर आप जाते जाते आप नजर करूंगी। इरशाद, तूने क्या खूब आबरू की है, बाबा किस तगाफुल से गुफ्तगू की है, ये सदाकत का एक पहलू था यानी हर बात रूबरू की है। थैंक यू सो मच आप आए, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम दिया और सीरियसली हमारा दिल नहीं चाह रहा कि आप जाएं, लेकिन आपके मैनेजर कह रहे हैं कि आपने किसी और मीटिंग पे जाना है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आपके सितारे हदीका कियानी के साथ, हमारे साथ हैं सुपर मॉडल एक्ट्रेस आमना इलियास। मेरे ख्याल में आप ऑडियंस को थोड़ा सा हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्या जी, जी। आप आ जाए एक्टिंग। जी मैं एक्टिंग करने लग रहा है, दवाई लेना नर्स वर्ग का तो अपना मुंह है।
ओ नोनी नर्सर बड़े अफसोस की गल है यार नोनी मुंह इधर कर वैसे गल हो दी ठीक आमना तुम ना मेरा मजाक उड़ाओ प्लीज अच्छा आपका नाम क्या है भाई फिलहाल नाम है मेरा आमना आप आ जाओ मैं आ जाऊं हाँ जी मेरे साथ एक्टिंग करेंगे सिचुएशन मेरी फेसबुक फ्रेंड है मैं आपकी जी वो बेटा कोई फेक अकाउंट है मेरे पास सारे ओरिजिनल अकाउंट नहीं नहीं मैं आपकी फेसबुक फ्रेंड नहीं बात सुनो आखिर फिल्म की जो बात है फिल्म बना रही है थे कर दिया गला नहीं करेंगे बेटा फिल्म बनानी है ज़ेन नहीं बनाना तो हम आपको सीन बताएंगे ना आपने वो करना है सीन बताएं कौन सा बिलाल आप बीमार हैं और ये सीन नहीं है हदीका जी मैं सीन बताऊं हां बताएं प्लीज बिलाल जी आप कॉलेज में पढ़ते हैं ठीक है और तू फड़िया गया है तू अड़े नाल ते नहीं नानी तू सीन च ना बोल तेरे उत्ते उदा एंट पक गया है सीन ये है कि आप स्टूडेंट हैं दोनों आमना भी और आप भी ठीक है तो आप कॉलेज में फिर रहे हैं और दो दिन से आमना आई नहीं तो आपने आमने से पूछ रहे आमना तुम कहाँ थी मैं तो पागल हो गया था दो दिन मुझे बुखार चढ़ा रहा फिर मुझे पित्त निकल आई फिर मेरी कमेटी निकल आई फिर बाद में मैंने जेब में मूली डाली वो निकल आई बाद में पता चला नोनी नर्स निकल आई ओके स्टार्ट एक्शन चलो मैं आ गई कॉलेज क्या हुआ नाज हो अच्छा वो क्लास फेलो है तेरी मंगेतर नहीं पहले कहो अस्सलाम वालेकुम मैं मदरसे पर आना आया अच्छा ए हीरो बनने नहीं आया है करो पांड बनना आया अब ना तू बड़ा मजा ले आया क्या अच्छा जी एक दफा फाइनली कुछ सीरियस होके एक्शन हाँ बोलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बाजी की हाल है नोनी नोनी एक सेकंड एक्शन चलो मैं कॉलेज में हूँ आ जाओ यार दो दिन मैं लेट हो गया सॉरी उसके लिए मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं की ओ यार होगा कि नाम अलग ना है अस्सलाम वालेकुम पहचाना तेनू पहचाने तू लाश है अब कौन आएगा तुम रहने दो ये तुम्हें नहीं करने देंगे कभी बंद टीवी भी नहीं आ सकता वो उन्होंने सही कहा है घर से एक्टर बने नहीं पांड बन रहे आए वो चुप ही नहीं कर ओए होए ओए कोर मुंडा तो अड़ल वेखने आ मैं फड़ के आ जाए आपका नाम क्या है चलो सुहेब क्या हाल है आपका सुहेब आप स्टूडेंट हैं नो सर मैं टीचर हूं यूसुफ हूं आप भी टीचर हैं जी सर ये टीचर क्यों हो जी और लग अच्छा ऐसा दो चीजें मारी आई हैं एक फालसा तो दूसरे टीचर अच्छा तो जो एक बेटा तेन क्या सी तू मरीज बनना तू माइकल जैक्सन बन गया अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वो पता नहीं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है मेरी टांगों में बहुत दर्द है मेरे सर में बहुत दर्द लगता है मुझे लगता है मुझे इश्क की बीमारी हो गई है बेटा तुम एक काम करो शेरचा चले जाओ अपने सारे पार्ट्स चेंज करा लो अच्छा वैसे अगर आपको पता है कि आपको इश्क की बीमारी तो मेरे पास क्यों आए हैं तुम्हारी बीमारी का इलाज डॉक्टर आमना के पास नहीं है बेटा इतना मैं कर रहा तेरा इलाज मुझे सारे लोग जानते होंगे ये दिल लगता है चैना का हाथ मतलब अच्छा आपका नाम मेरा नाम अरसलान है किसी सस्ते जी होटल का बहरा लग गया जी इनके लिए कोई सीन बताए आपका लड़की का रोल है क्या अगर आपको पागल का रोल करना पड़े तो क्या करने की क्या जरूरत में हूँ मेरा नाम अरसलान है तुम्हारा नाम आमना है ठीक है ठीक है एक्शन अरसलान ऊंची बोली आप ही आगे बोल लो एक्टिंग करनी चुगली नहीं तेरा लड़कियों की तरह वॉक कर गया ना भाई खुद उठ के क्यों नहीं आया थे मैं उठन जोगा होता ना तो मैं तुम्हें से आउट नहीं सी देता अरसलान
रोमांटिक होना चाहिए इंसान। हां चल चल करो करो, वेरी नाइस वेरी शाबाश। अरसलान तुम्हें क्या बताऊं, जब भी तुम कॉलेज से अंदर एंटर होते हो मैं तुम्हें ऐसे देखता हूं। देखती रह जान। अरसलान जब भी तुम क्लास से एंटर होते हो मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ। तुम्हारा ध्यान आजकल बहुत मेरी तरफ रह रहा है आमना, तुम्हारे मुंह पे इतनी दाढ़ी आ गई है। तुम्हारी याद नहीं है आमना उन चंगी नहीं है। आमना ना बार बार होंठ खुश्क हो रहे ने, पता नहीं पावे खा के आई है। आमना जाओ हम आम तो जाके शेव करवा चल। अब फीमेल के साथ कौन आएगा? बबलू आप आ जाए। मैं? हाँ वाओ नाइस। ओए किधर है? ओए इधर है। तुम इतने बड़े हो मुझे नजर ही नहीं आ रही, इधर आ जा बेटा। आपका क्या नाम है? अक्सा। अक्सा आपका सीन एक पहाड़ के साथ है और आप पहाड़ की तरफ देख रही हैं और आप डायलॉग बोल रही हैं कि ये पहाड़ इतना मोटा क्यों, ये पहाड़ इतना मैला क्यों है। आप दोनों सहेलियां आई है और आप अक्सर उनको कह रही है की मैंने ना आज तुम्हें उनसे मिलवाना है, जिससे टेलीफोन पर बात होती है और इस तरह का कोई। ठीक है मौसम साहब, तुम अपना काम करो। बंदा सियारे से बैठ के सिगरेट पी रहे। बबलू एक्शन। आमना तुम्हें पता है मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, आज मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम गुड लुकिंग लड़के। तुमने उसे पहले देखा? नहीं पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन आज उसको पहली दफ़ा देखूंगी। अच्छा तो तुम्हारी उससे कैसे बातचीत हुई शुरू? बस वो मेरा फेसबुक फ्रेंड बना, फिर उसके बाद हम लोगों ने आपस में हेलो हाय किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती गई और वो दोस्ती प्यार में बदल गई। खलोजा खलोजा कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं तुम्हारा हैंडसम बॉय। खुले पैसे नहीं है जाओ। ए, मेरा घर मुंडे दी अम्मी लग रही। आप में से नीलम कौन है? मैं। Oh my God, नीलम। आप कौन है? मैं? हाँ। बबलू। आप बबलू हैं? क्या हो गया, इतना हुसन कभी देखा नहीं तुमने? ए हो जा पासा ला के बेगम मार देता हूँ। तुम एक चीटर हो, तुमने अपनी पता नहीं कौन सी पतली तस्वीर लगाई हुई और तुम खुद तो एक पूरा ट्रक हो। अपना देखो तो सही, तुम मुझे कह रही हो? तुम तो देखो तुम एक चीटर हो। चीटर हूँ मैं? यानी सुकी लैंड नहीं दी। चिल्टर? Yes of course। एड़ा तू अंग्रेज रहंदा नहीं, चिल्टर हो। नहीं मेरा चुम्मू का कमाल। Shut up। मेरी भी इनसे रिक्वेस्ट है सर आपसे कि आपने लाहौर टांगे वाला गाना गाया है, प्लीज उसके दो बोल प्लीज। ओ चन मेरे मखणा, ओ चन मेरे मखणा के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नैना दा चखना। ओ चन मेरे मखणा, ओ चन मेरे मखणा, ओ ना डर कर ले मेल दिलां दे मैं सदके। ओ ना डर कर लै मेल दिलां दे जिउंदे रहते आन मिलांगे। दिल विच प्यार नहीं ते कुछ नहीं, कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं, ओ कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं। दिल नू सांभ सांभ की रखना चन मेरे मखणा, चन मेरे मखणा हो। वैसे वेरी नाइस। वैसे आमना जी जी मेरा ख्याल में रिश्ता बुरा नहीं है ना? नो नहीं, वैसे गुड यार तुम्हारी आवाज अच्छी। मैंने आमना के लिए कुछ और गाना सोचा हुआ था। क्या बाबुल की दुआएं लेती जाए? अच्छा बात सुने जी, जब बात बनी गई है तो फिर बात बनाई दें, यानी यानी कि सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है